दोस्तों फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं। सैमसंग का 21 इंच का टीवी है हमारे पास। इस टीवी का आज का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताऊँगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, मैं टीवी का प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। मैं टीवी को लाइन देने के बाद मेरा जो पावर इंडिकेटर होता है वो तो जल जाता है। जलने के बाद जो हमारा पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर दिखा देता हूँ। मैं टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज करने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर जलता है वो बंद हो गया है, मतलब हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो गया है। और रिलीज होने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा ब्लू स्क्रीन के ऊपर हमारा जो रिक्टेक्स लाइन आ रहा है, ये रिक्टेक्स लाइन का प्रॉब्लम आया है। और हमारा जो एबी का जो पिक्चर है वो एबी दबाने से हमारा टीवी पे अंदर में आप लोग देख सकते हैं अंदर में पिक्चर चल रहा है। और आउट सेक्शन जो हमारा जो पिक्चर क्लियर होना चाहिए वो पिक्चर क्लियर नहीं है, रिक्टेक्स लाइन होकर ब्लू स्क्रीन का रिक्टेक्स लाइन आ रहा है। आप लोग इस वाला प्रॉब्लम को रिक्टेक्स लाइन बोल सकते हैं। और मैं टीवी को खोल लेता हूँ, खोलने के बाद ही पता चलेगा हमारा इस वाला जो प्रॉब्लम आया है इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकलेगा। मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो भी बेल आइकॉन है उसको दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पहले खोल लेता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा पीसीबी, जो सैमसंग का पीसीबी होता है। इसका प्रॉब्लम आप लोगों को दिखा दूँ, इसका प्रॉब्लम कहाँ से आया है। उसके लिए मैं टीवी को स्टैंड बाई मोड से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज करने के बाद जो हमारा पिक्चर आता है वो वाला पिक्चर कैसे आता है वो भी पता चल जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा एडिटर स्क्रीन होकर हमारा वही पिक्चर आ रहा है। और हमारा प्रॉब्लम कहाँ से आया है वो दिखा दूँ। जो हमारा मेन आईसी से होता है, मेन आईसी पे ज़्यादातर हमारा ये वाला जो बेसबोर्ड होता है इस बेसबोर्ड से प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं मेन आईसी पे देख लूँगा। मेन आईसी पे जो सिग्नल निकलता है आरजीबी का सिग्नल, वो सिग्नल हमारा कैसे निकल रहा है वो देख लूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मीटर को रख लेता हूँ। ये हमारा जो पहला पॉइंट है ये वाला हमारा ग्राउंड है, और हमारा ये ब्लैक का ब्लॉक का ये वाला पॉइंट है जो हमारा इस वाला टेस्ट पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आता है जो 5 वोल्ट तक से होता है, 4.5 आ रहा है। और ये जो तीनों पॉइंट रह गया है, तीनों पॉइंट होता है आरजीबी, मतलब हमारा रेड ग्रीन ब्लू। रेड पे हमारा वोल्टेज देख लेंगे, देखिए हमारा यहाँ पर रेड पर हमारा वोल्टेज दिखा रही है 1.9। दूसरा पॉइंट पे जी पे देखिए 2.1, और बी पे देखिए हमारा यहाँ पे 3.3 दिखा रही है। मतलब हमारा जो वोल्टेज हमारा आर पे है और जी पे है उस पे वो वाला वोल्टेज हमारा सही है, और जो ब्लू पे हमारा वोल्टेज है वो हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हमारा स्क्रीन पे आता है रिक्टर स्क्रीन, इसीलिए प्रॉब्लम होता है ये वाला प्रॉब्लम। और इसका प्रॉब्लम बेसबोर्ड से होता है, वो बेसबोर्ड पे देख लेंगे। दोस्तों मैं जो प्रॉब्लम बता रहा था ये वाला हमारा बेसबोर्ड से आता है, बेसबोर्ड का जो सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। ये वाला जो हमारा आईसी पे जो हमारा ब्लू का ज़्यादा वोल्टेज हो गया है, वो वोल्टेज होने के कारण हमारा ये बेसबोर्ड भी हो सकता है। इस बेसबोर्ड पे हमारा जो सप्लाई जाता है वो सप्लाई जाता है हमारा ESD से जो सप्लाई जाता है हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 180 वोल्ट लिखा आ रहा है। ये वाला वोल्टेज हमारा जाता है हमारा बेसबोर्ड पे, और एक वोल्टेज जाता है यहाँ पे जो हमारा एज लिखा आ रहा है, जो हमारा हीटर होता है, हीटर जाता है हमारा जो फिलामेंट होता है सिस्टम का, वो फिलामेंट जलाने के लिए। तो उसके बाद जो सिस्टम काम करता है, यहाँ पर देखिए हमारा 9 ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, 9 ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है जो हमारा कलर को फिल्टरिंग करता है, और दो रेजिस्टेंट हमारा काम करता है, वो दोनों तीनों रेजिस्टेंट काम करता है, वो तीनों रेजिस्टेंट्स हमारा वोल्टेज को अप डाउन करता है जो हमारा कलर फिल्टर के लिए काम करता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले चेक कर लूँगा जो हमारा 180 वोल्ट यहाँ पे आता है वो 180 वोल्ट कैसे आता है।
180 वोल्ट तो आ रहा है, इसीलिए ही ये वाला सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चेक कर बताता हूँ। 180 वोल्ट जो होता है ये वाला टेस्ट पॉइंट पे हमारा 180 वोल्ट होता है, वो 197 दिखा रही है, मतलब 200 वोल्ट तक हो सकता है, वो सही है वोल्टेज। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा बेस बोर्ड है, बेस बोर्ड पे हमारा तीनों पॉइंट टेस्ट पॉइंट दिया गया है, जो हमारा यहाँ पे होता है RGB, मतलब ये वाला रेड वाला पॉइंट, ये वाला हमारा ग्रीन वाला पॉइंट, ये वाला हमारा जी वाला पॉइंट, और ये वाला हमारा जो एज लिखा रहा है वो वाला एज हमारा हीटर होता है। पहले वाला जो टेस्ट पॉइंट है, जो हमारा आर का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा वोल्टेज दिखा रहा है 197 तक दिखा रहा है, और दूसरा जो होता है, दूसरा हमारा यहाँ पे होता है ये वाला पॉइंट पे भी 197 दिखा रही है। जो वोल्टेज हमारा PCB से आ रहा है, जो ESC सेक्शन से आ रहा है, वही वोल्टेज हमारा यहाँ पे दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे बी पे देखिए, जो ब्लू पे होता है, वो ब्लू पे हमारा 11 वोल्ट दिखा रही है, मतलब 11 वोल्ट होने के कारण ही हमारा यहाँ पे मिनिमम हमारा वोल्टेज आना चाहिए, 170 वोल्ट तक आना चाहिए था, वो वोल्टेज हमारा यहाँ पे नहीं होने का कारण ही ये वाला प्रॉब्लम आया है, जो हमारा ब्लू पे रिक्टर स्क्रीन आ रहा है। उसके लिए क्या दोस्तों, उसके लिए क्या होता है, हमारे जो कलर फिल्टरिंग सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है, और नहीं तो हमारे ट्यूब का जो हमारा RGB का कैथोड एनोड होता है वो वाला पॉइंट शॉर्ट हो जाने के कारण भी ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, RGB का जो पॉइंट टेस्ट पॉइंट होता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर फिल्टरिंग करता है, जो कलर फिल्टरिंग होता है वोल्टेज को फिल्टरिंग करके कलर फिल्टरिंग होता है, वो वाला सिस्टम को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद ही पता चलेगा हमारा कैसे सिस्टम काम कर रहा है। अब लोग देखिए, हमारा यहाँ पे वोल्टेज आता है, यहाँ पे देखिए हमारा 1.7 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा जो बी का जो हमारा ट्रांजिस्टर, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, कलर फिल्टरिंग ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर पे हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है मिनिमम 1.7 वोल्ट। और जो हमारा दूसरा जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस पे देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस पे देखिए हमारा 197 आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए 197 आ रहा है। उसके लिए दोस्तों, उसके लिए क्या होता है, ये जो हमारा तीनों रेजिस्टेंस दिया गया है, वो तीनों रेजिस्टेंस का मतलब हमारा तीनों कलर को फिल्टरिंग करने के लिए वोल्टेज दिया जाता है, ये तीनों रेजिस्टेंस, वो तीनों रेजिस्टेंस के हमारा दो रेजिस्टेंस काम कर रहा है सही तरीके से, लेकिन एक रेजिस्टेंस हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसके लिए रेजिस्टेंस भी खराब हो सकता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों, हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया हुआ होता है, जो हमारा कलर फिल्टरिंग का मेन काम करता है, जो इनपुट आउटपुट करता है, यहाँ पे हम लोगों को खोल के दिखा देता हूँ, वो वाला ट्रांजिस्टर भी हमारा शॉर्टेज हो सकता है, और हमारा कैथोड एनोड भी शॉर्टेज हो सकता है। उसके लिए मैं पहले पिक्चर ट्यूब को छोड़ देता हूँ, वो बाद में चेक करूँगा, लेकिन पहले जो हमारा ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाने से भी ये वाला प्रॉब्लम होता है। उसके लिए क्या करूँगा, इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद ही पता चलेगा हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। इस ट्रांजिस्टर का नंबर आप लोगों को दिखा दूं, इसका नंबर C2330 का है। इस ट्रांजिस्टर को पहले चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद ही पता चलेगा हमारा सिस्टम, इस ट्रांजिस्टर के ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाने से ही भी ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए मैं ये वाला ट्रांजिस्टर को पहले चेंज कर दूंगा। दोस्तों, मैंने जो पुराना वाला ट्रांजिस्टर निकाला था, इसके बदले में मैं इस नया वाला ट्रांजिस्टर को लगा दूंगा। इसका नंबर आप लोग देख सकते हैं 2330 का ये वाला ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ, कनेक्ट कर देने के बाद मैं इसको पता चलेगा हमारा जो सिस्टम का फॉल्ट था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर था, वो ट्रांजिस्टर को मैंने नया वाला कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 180 वोल्ट है, जो हमारा सिस्टम से, जो हमारा ESC से निकलता है। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो ब्लू पे हमारा यहाँ पे वोल्टेज नहीं था, वो 1 वोल्ट तक आ रहा था। यहाँ पे देखिए हमारा वोल्टेज आ रहा है,
दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, जो 1 वोल्ट 2 वोल्ट आ रहा था यहाँ पे 68 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये 60 वोल्ट आने के कारण क्या है, जो हमारा यहाँ पे ब्लू स्क्रीन फुल है इसीलिए हमारा ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, जो वोल्टेज कम दिखा रही है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए भी कनेक्ट कर दूँगा, ए भी का कॉर्ड कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी को चालू करके आप लोगों को यहाँ पर वोल्टेज दिखा देता हूँ, जो वोल्टेज हमारा सही होना चाहिए। तीनों रेजिस्टेंट पे सही वोल्टेज होना चाहिए, तीनों कलर जो हमारा मेन आईसी पे निकलता है वो कलर का जो पॉइंट होता है, वो तीनों कलर का पॉइंट भी हमारा सेम वोल्टेज निकलना चाहिए, तो अभी तो हमारा टीवी सही तरीके से काम करेगा। उसके लिए मैं अभी कनेक्ट करके आप लोगों को ये सब बता देता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं ए वी कोड कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद आप लोगों को दिखा दूँ, हमारा जो पिक्चर का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व, जो हमारा ब्लू का स्क्रीन के ऊपर हमारा पिक्चर आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। और सॉल्व होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे वोल्टेज दिखा देता हूँ। वोल्टेज दिखाने से आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा हमारा क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा यहाँ पे देखिए हमारा रेट पे हमारा देखिए हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 180 वोल्ट, और हमारा जी का भी देखिए हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, जो हमारा कलर जैसे आएगा उसके तरह से हमारा वोल्टेज आएगा यहाँ पे, जो 98 तक आ रहा है। और दूसरा जो जो हमारा ब्लू पे हमारा कलर का प्रॉब्लम था, जो पहले हमारा वोल्टेज आ रहा था 1 वोल्ट 2 वोल्ट तक, और बाद में जब मैं ये ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया उसके बाद आ रहा था 64 67 तक। उसके बाद आप लोग देखिए, हम लोग पिक्चर लगाने के बाद मुझे पता चल यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है जो 111 वोल्ट तक, मतलब हमारा तीनों कलर अच्छी तरह से काम कर रहा है, तीनों रेजिस्टेंस अच्छी तरह से काम कर रहा है, जो हमारा 9 ट्रांजिस्टर होता है वो ट्रांजिस्टर भी काम कर रहा है। ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्टेज के कारण इस वाला प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, जो हमारा सिस्टम से जो RGB निकलता है वो आता है यहाँ पे, जो हमारा ट्रैक होता है, जो हमारा यहाँ पे कनेक्टिंग टैग होता है, वो कनेक्टिंग टैग पे देखिए हमारा पहले नंबर पे ही है ब्लू। ब्लू पे जो हमारा ज़्यादा 3.3 वोल्ट तक आ रहा था, यहाँ पे देखिए हमारा मीटर पे यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 2.1 वोल्ट। और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे जी पे देखिए हमारा जो वोल्टेज हमारा 1.4 वोल्ट तक आ रहा था, वहाँ पर देखिए 2.3 2.4 2.6, वो कलर जैसे फिल्टरिंग करेगा वो आईसी से देगा, वो सिस्टम वैसे ही वोल्टेज अप डाउन होगा। और जो हमारा यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो हमारा आर वाला है रेड वाला है, वो यहाँ पे भी दिखा रही है 2.2 2.3। मतलब दोस्तों हमारा जो मेन आईसी है, मेन आईसी से जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज हमारा सेम ही वोल्टेज आएगा, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस से फिल्टरिंग होके जो हमारा सिस्टम पे जाता है, जो सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज दिखा रहा था, जो हमारा मिनिमम 110 वोल्ट 12 वोल्ट दिखा रहा था, वो वोल्टेज देखिए हमारा 115 वोल्ट 117 वोल्ट आ रहा है, जो ब्लू पे हमारा वोल्टेज कम हो गया था। और हमारा जी पे जो आर पे जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ पे देखिए 115 वोल्ट 118 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे आर पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज देखिए वो वोल्टेज हमारा 110 वोल्ट 119 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब हमारा सभी तरीके से वोल्टेज हमारा सेम ही है। उसके दोस्तों ये वाला जो ट्रांजिस्टर मैंने चेंज किया है, ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब था इसीलिए चेंज किया हूँ, लेकिन दोस्तों ये ट्रांजिस्टर कभी कभी नहीं ख़राब होता है, उसके बाद भी ये वाला जो हमारा ब्लू स्क्रीन का जो प्रॉब्लम रहता है, जो रिटर्स होके आता है, ब्लू कलर छोड़िए जो भी कलर का रिटर्स रहता है, लाइन आता है हमारा पिक्चर चालू रह साउंड चालू रहता है, उस वाला प्रॉब्लम के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले तो बेस का जो हमारा कनेक्टर बेस का जो पॉइंट होता है, ये बेस को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेना। उसके बाद जो जो ट्रांजिस्टर है रेजिस्टेंस है उस ट्रांजिस्टर को अच्छे से सोल्डरिंग कर लेना। और क्या होता है, ये बेस पर ज़्यादा हीट होता है, हीट होने के कारण कुछ कुछ पार्ट्स हमारा ओपन हो सकता है, ओपन होने के कारण भी ये वाला प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर हमारा 80% प्रॉब्लम हमारा ये बेसबोर्ड से ही होता है, जो कलर का प्रॉब्लम, वो कलर का प्रॉब्लम हमारा डाई से होता है, और हमारा कुछ कुछ पार्ट्स भी ख़राब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना।
ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों मैं टीवी को घुमा के आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ, जो पिक्चर का प्रॉब्लम था हमारा ब्लू रिक्टर स्क्रीन होके आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे हुआ, पिक्चर कैसे आया। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को घुमा लिया हूँ, घुमाने के बाद मैं टीवी पे लाइन देता हूँ, जो हमारा पावर इंडिकेटर जल रहा था वो जल गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पावर को ऑन कर दूँगा, जो हमारा स्टैंड बाई है स्टैंड बाई को रिलीज कर दूँगा। रिलीज करने के बाद जो हमारा पिक्चर आएगा आप लोग देखिए, जो हमारा ब्लू स्क्रीन का रिटेक्स लाइन आ रहा था वो नहीं आना चाहिए। दोस्तों आप लोग देखिए हमारा ब्लू स्क्रीन का रिटेक्स नहीं है, जो हमारा पिक्चर है वो पिक्चर का मेनू टेनू सभी आ रहा है, मेनू आ रहा है, जो भी ए भी लिखा आ रहा है, सभी पिक्चर का जो लोगो होना चाहिए वो आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ए बी पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। ए बी पे ट्रांसफ़र कर देने के बाद आप लोगों को पता चलेगा, देखिए हमारा पिक्चर सही तरीके से आ गया है। मतलब आगे का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा ब्लू का जो रिक्टस लाइन आ रहा था अंदर पे पिक्चर चल रहा था, जो थोड़ा सा देख रहा था, लेकिन यहाँ पे पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।